कोरोना महामारी में एक तरफ जहां लोगों में निराशा है, वहीं इस दौरान कुछ युवा अच्छा कार्य करने की सोच में लगे हैं। इसी का नतीजा है कि गया के रहने वाली डॉक्टर रितिका सिन्हा और उसके भाई अभिनीत कुमार ने कोरोना संक्रमित मरीज व संक्रमण से मुक्त हुए लोगों को चिकित्सीय सलाह के लिए एक वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट के लिंक पर बस एक क्लिक कर मरीज अपनी व्यक्तिगत जानकारी एक फॉर्म में भरते हैं। इसके बाद डॉक्टर उनके मोबाइल पर कॉल कर उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। देश के 80 से अधिक डॉक्टर लोगों को निशुल्क दे रहे हैं चिकित्सीय परामर्श। www.rockethealth.app वेबसाइट के माध्यम से जुड़ने वाले लोगों को देश भर के करीब 80 से अधिक चिकित्सकों की टीम लगातार सलाह दे रही है। धीरे धीरे इस वेबसाइट पर अधिक से अधिक चिकित्सक जुड़ रहे हैं और मरीजों को परामर्श दे रहे हैं। डॉक्टर रितिका सिन्हा बताती हैं कि प्रतिदिन करीब 200 से अधिक लोग अलग अलग डॉक्टरों से चिकित्सीय परामर्श ले रहे हैं। वेबसाइट को बनाने वाली डॉक्टर रितिका सिन्हा जो MBBS करने के बाद PG की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, वहीं उसके भाई अभिनीत कुमार जो MBA का छात्र है, बताते हैं कि उन लोगों का बस एक ही मकसद था कि इस कोरोना महामारी में जब संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में लोगों को घर बैठे चिकित्सीय सलाह कैसे मुहैया हो, इसके लिए यह शुरुआत की। देश के कई राज्यों के मरीज वेबसाइट से जुड़कर ले रहे हैं सलाह। अभिनीत बताते हैं कि इस पहल के बाद न सिर्फ बिहार के बल्कि मुंबई, गोवा, दिल्ली, हरियाणा, केरल, कश्मीर सहित कई राज्यों से लोग चिकित्सीय सलाह के लिए इस वेबसाइट से जुड़ रहे हैं और उन्हें सलाह दी जा रही है। इन लोगों ने बताया कि कॉल के दौरान कई लोगों को देखा गया कि वह बेवजह डरे हुए हैं। वह अपने आसपास या रिश्तेदारों की हुई मौत की खबर से अधिक घबराए हैं। ऐसे लोगों को मनोचिकित्सीय सलाह भी चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है। पब्लिक न्यूज़ डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज़ के साथ।